बात करते हैं पालघर मॉब लिंचिंग की। महाराष्ट्र के वजीर दाखला अनिल देशमुख ने अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पालघर वाक़े को फ़िरका वाराना रंग देने में मसरूफ़ है, जबकि इस मामले में गिरफ्तार 101 लोगों में से कोई भी मुसलमान नहीं है। अनिल देशमुख ने फेसबुक पेज पर भी लिखा कि वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए मुलजिमान में से कोई भी मुसलमान नहीं है। ये बदकिस्मती की बात है कि वाक़े के बाद फ़िरका वाराना सियासत की जा रही है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, यह सियासत खेलने का वक्त नहीं है बल्कि कोरोना वायरस का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला करने का वक्त है। अनिल देशमुख ने बताया कि इस वाक़े के आला सतही तहकीकात का हुक्म पहले ही दे दिया गया है, जबकि पालघर के दो पुलिस एहलकारों को फराइज में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया गया है।